थोड़ा सा ऑफ रोड करना पड़ेगा हमें भाई। मजा आ रहा है यार नेपाल में। यार नेपाल के सारे मंदिर काफी यूनिक है। सनातन धर्म का जन्म भारत से हुआ था, लेकिन आज भारत में सारी चीजें लुप्त हो गई है। यहाँ पे आज भी गुरुकुल चल रहा है। तो ये रहे हमारे महादेव, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनके मंदिर पे काफी सारे रुद्राक्ष लपेटे हुए हैं। यहाँ से पूरा झरना बह रहा है और बहुत खूबसूरत दिखता है। यहाँ पे देखो कितनी सारी खूबसूरत दुकानें बनी हुई है। खूबसूरत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक एक दुकान पे इतनी प्यारी लाइटिंग्स है। तो फाइनली हम लोग निकल गए माता जी के मंदिर से और हम जाने वाले हैं दूसरी लोकेशन पे, जो कि यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। थोड़ा सा ऑफ रोड करना पड़ेगा हमें भाई। मजा आ रहा है यार नेपाल में। यार अब हम लोग आ गए हैं केदारेश्वर महादेव के मंदिर। काफी सही बना हुआ है यार। यहाँ का जो डेकोरेशन है वो अमेजिंग है। नेपाल के सारे मंदिर काफी यूनिक है। ये जो मंदिर है इसे कहा जाता है शिव पांचान, क्योंकि शिव जी बीच में विराजमान है भोलेनाथ, और आसपास 5 मंदिर बने हुए हैं, जिसमें माता शक्ति का मंदिर है, वहाँ पे विष्णु भगवान का मंदिर है, यहाँ पे सूर्य देवता का मंदिर है, और इस तरफ गणेश जी का मंदिर है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग है, ये कुल मिला के 108 शिवलिंग है। और पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे फेवा ताल यहाँ पे बह रहा है और पूरा माउंटेन्स एरिया है। और इस तरफ जो है ये हनुमान जी महाराज का मंदिर है। और सनातन धर्म का जन्म भारत से हुआ था, लेकिन आज भारत में सारी चीजें लुप्त हो गई है। यहाँ पे आज भी गुरुकुल चल रहा है। 66 बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। आज संस्कृत लैंग्वेज, जो भारत में सबसे ज्यादा यूज की जाती थी, लुप्त हो गई है, और संस्कृत यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज की जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने से आप लोगों को सारी विद्या आएगी, लेकिन अल्टीमेटली सच्चाई ये है कि जितने अंग्रेज हमारे यहाँ से ग्रंथ लेके गए हैं, उन्हीं से कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन फोर्स, उन्हीं से सारी चीजें उन लोगों ने डिस्कवर की है। श्रीमद् भागवत पुराण अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमारे जो अर्थ है वो कितने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है, इस सब के बारे में भी जानकारी है, बहुत कुछ लिखा है। जैसे हनुमान चालीसा की अगर आप बात करें तो उसमें एक लाइन आती है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताही मधुर फल जानु। इसका अर्थ है कि एक युग, एक सहस्त्र और एक योजन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भानु सूर्य को कहते हैं। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, यानी कि इतने दूरी पर सूर्य है, और लील्योताही मधुर फल जानु, हनुमान जी सूर्य को एक मधुर फल जान के खाने के लिए निकल गए थे। तो ये कब का लिखा हुआ है हमारे यहाँ, लेकिन साइंटिस्ट ने तो बाद में आए, सैटेलाइट्स आई, सारी चीज़ें आई, तब डिस्टेंस पता चला, लेकिन हमारे इतिहास में कब से ये चीज़ें हैं। तो गुरुकुल की शिक्षा बहुत मायने रखती है। अगर मेरे को मौका मिलता तो डेफिनेटली मैं भी गुरुकुल जाना पसंद करता। तो ये रहे हमारे महादेव, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनके मंदिर पे काफी सारे रुद्राक्ष लपेटे हुए हैं। हमने महादेव के बहुत ही बढ़िया दर्शन कर लिए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो टेंपल पे ओम नमः शिवाय इंग्रेव्ड है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। हमारे यहाँ टेंपल्स बहुत अलग टाइप के होते हैं। यहाँ नेपाल में आप देखोगे सारे टेंपल्स बहुत ही खूबसूरत बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ के भी डेफिनेटली टेंपल्स बहुत खूबसूरत हैं, ऐसा नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ अलग देखने को मिलता है आप लोगों को मंदिर में। तो महादेव के दर्शन करने के बाद आ गए हैं हम हनुमान जी महाराज के दर्शन करने। बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है संजीवनी बूटी उठाते हुए। आप लोग अगर पोखरा आते हो तो आप लोगों का यहाँ आना बनता है। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री केदारेश्वर मंदिर से हम लोग वापस निकल गए और हम जाने वाले हैं अब नेक्स्ट लोकेशन पे हमारी आज की। भाई मजा आ गया, मेरे को तो बहुत दिल खुश होता है जब मैं मंदिरों में जाता हूँ। पोखरा के अंदर आए थे और अभी यहाँ से हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। उस दिन जब यहाँ आए थे तो भाई यहाँ भयंकर पानी भरा हुआ था, मेरे को तो डर ही लग रहा था यहाँ से क्रॉस करने में भी, लेकिन आज दिख गया ब्रिज है तो कोई टेंशन नहीं है। गुप्तेश्वर महादेव बंद हो गया? कहाँ से जाना है? यहाँ से। आंटी आंटी गुप्तेश्वर महादेव का टिकट चाहिए था?
हाँ क्या कब बंद हुआ, कितने बजे? शिट यार, हम लोग आ गए हैं हमारी लास्ट लोकेशन विच इज देवीज फॉल। तो हम लोग अंदर आ गए, यहाँ देख सकता हूँ मैं बहुत ही बड़ा एक गार्डन बना हुआ है और यहाँ पे सामने बुद्ध जी विराजमान है। ये देखिए भाई साहब, काफ़ी प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ आप देख सकते हो, पत्थर की। गणपति बप्पा हैं, नंदी महाराज हैं, शिव जी भगवान हैं, क्या बात है, बेहतरीन। ये मनकामना भगवती विश पूल के लिए आगे जाता है। हम लोग जा रहे हैं देवीज फॉल के लिए, जो ये रास्ता जाता है। एक्चुअली यार हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए आज, क्योंकि हमें बहुत सारे एरियाज़ कवर करने थे, तो लास्ट 10 मिनट बचे हुए हैं, देवीज फॉल भी बंद हो जाता नहीं था। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling. Exaggerated, that's what you assume. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोगों ने देवीज फॉल भी देख लिया, बहुत ही बढ़िया बना है। यहाँ से पूरा झरना बह रहा है और बहुत खूबसूरत दिखता है। हम लोग तो थोड़ा शाम को आ गए, लेट हो गए। आप लोग अगर टाइमिंग पे आओगे, यानी 12 बजे 3 बजे ऐसे वाले टाइम पे जब उजाला रहे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ बैरिकेडिंग करके रखी है सो दैट कोई आगे ना जा पाए, क्योंकि पूरी खाई है। सो यहाँ पे एक छोटा सा आप पुल देख सकते हैं, इसमें मनकामना भगवती जी स्थापित हैं, और ऐसा कहते हैं कि अगर आप यहाँ इनके ऊपर एक सिक्का ड्रॉप करके अपने मन की कामना मांगे, तो वो डेफिनेटली आपकी इच्छा पूरी करती हैं। जय हो माता, रक्षा करना। ओ अरे यार, हमारा सिक्का नीचे चला गया। एक और ट्राई करते हैं, एक और। ओके, कमॉन कमॉन कमॉन। ओ नीचे चला गया, चलो कोई नहीं। यहाँ पे कुछ नेपाली कॉस्ट्यूम की डमी बनी हुई है, जहाँ पे आप लोग फोटो शूट करा सकते हो। वापस हमारे होटल की ओर जा रहे हैं, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज भगवान की इतनी अच्छी कृपा रही कि भाई बारिश नहीं आई, अगर बारिश आती ना तो अपनी बैंड बच जाती भाई, और पूरा प्लान जितना घूम पाए वो भी नहीं घूम पाते। अब होटल जाते हैं, थोड़ा चाय वाय पीते हैं, फ्रेश एंड अप होते हैं, और फिर वापस रात में निकलेंगे घूमने के लिए। यहाँ पे देखो कितनी सारी खूबसूरत दुकानें बनी हुई है। खूबसूरत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक एक दुकान पे इतनी प्यारी लाइटिंग्स है, कपड़े टंगे हुए हैं बेहतरीन बेहतरीन, कहीं पेंटिंग्स है, यहाँ पे ट्रैकिंग का सामान मिलता है, यहाँ मनी चेंजर बना हुआ है, बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे कि इस साइड क्या है, 6 नंबर स्ट्रीट का अलग, 7 नंबर स्ट्रीट का अलग, ऐसे हमारा 14th स्ट्रीट में, तो उसमें जितने होटल या जो भी मेन चीज़ें होगी उसका वहाँ पे दिया रहता है। क्या बात है, हनुमान जी महाराज विराजमान थे नीचे। आई होप आपको व्लॉग देख के आने की इच्छा तो हो ही गई होगी यार, कि नेपाल चलो यार। Turn left. ये आ गए हम लोग हमारे होटल, ये चलो बजुका की पार्किंग सामने हो जाती है, बस और क्या चाहिए जीवन में यार, उससे अच्छा कुछ नहीं है।